पिछोर विधानसभा 26 के कांग्रेस प्रत्याशी अरविंद लोधी ने नामांकन फॉर्म जमा किया। कांग्रेस प्रत्याशी अरविंद लोधी ने आज नामांकन फॉर्म जमा किया। सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ अरविंद लोधी आज अनुविभागीय कार्यालय पहुंचे, जहां अरविंद लोधी ने एसडीएम अरविंद समाधिया के समक्ष राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के रूप में नामांकन फॉर्म जमा किया। कांग्रेस प्रत्याशी अरविंद लोधी ने बताया कि भाजपा सरकार द्वारा जो भ्रष्टाचार पिछले 18 सालों में किया गया, उस भ्रष्टाचार से जनता को मुक्त करना है। प्रत्याशी अरविंद लोधी ने कहा कि चुनाव में नहीं लड़ रहा, बल्कि पिछोर की जनता चुनाव लड़ रही है। अगर मैं चुनाव जीतता हूं तो क्षेत्र में अमन और शांति बनाने का काम करूंगा, और जो विधायक केपी सिंह का गाजू ने मुझ पर अपना विश्वास जताया, उस विश्वास पर मैं खरा उतरूंगा। ये पूरी मेरी कोशिश होगी। फर्स्ट समाचार संवाददाता से कांग्रेस प्रत्याशी अरविंद लोधी ने की चर्चा। मेरा नाम शिषपाल सिंह बघेल है। अच्छा शिषपाल सिंह जी, अभी कांग्रेस प्रत्याशी अरविंद लोधी ने नामांकन फॉर्म जमा किया है जी, किस तरह से देख रहे हैं इस चुनाव को आप? बिल्कुल, ये मान लो कि 30 साल से जो कक्काजू साहब की सीट थी, 30 साल से यहाँ कांग्रेस राज करती चली आ रही है, और कक्काजू के आशीर्वाद से हम सभी समाज हैं अरविंद भैया जी का इतना ही हाथ मजबूत करके उन्हें भोपाल पहुँचाने वाले हैं जी। अरविंद जी, आज आपने नामांकन फॉर्म जमा किया है, किस तरह से चुनाव की रणनीति तैयार करेंगे? रणनीति तो पूरी तैयार है। ये चुनाव हमने ही, ये पिछोर क्षेत्र की जनता चुनाव लड़ रही है, और ये पूरे पिछोर क्षेत्र की जनता ही चुनाव लड़ेगी जी। आगे मतलब किस तरह से चुनाव आपका रहेगा, और किन मुद्दे को लेकर आप चुनाव मैदानी उतरे? सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई होगी, और अभी हम जनसंपर्क में जा रहे हैं, गाँव लोगों की जो समस्याएं आ रही हैं उन समस्याओं का आगे समय में समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। अभी मीडिया पे खबरें चल रही हैं कि अभी टिकट को लेकर संशय बना हुआ है, तो उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? अभी आपके सामने है कि आवेदन यहाँ पर हो चुका है, मैंडेट हमारे पास है, और कोई फर्जी फ्रॉड तो कुछ भी के बोल सकता है, उसके लिए हम क्या कह सकते हैं। अच्छा, आपके क्या चुनाव में प्रमुख कौन कौन से आपके मुद्दे हैं, चूँकि आप युवा भी हैं और युवा वोटर भी इस बार काफ़ी बड़े हैं, तो क्या आपका संदेश है? सबसे पहला जो मुद्दा है हमारा कि क्षेत्र में शांति रहना चाहिए, और जो सामने वाले कैंडिडेट हैं या जो प्रत्याशी हैं, जो उनके कार्यकर्ता हैं, वो किस हिसाब से पूरा पिछोर क्षेत्र का माहौल बना के रखें, वो जनता समझ रही है। तो हमारा प्रयास रहेगा कि अगर हमारी जीत होती है तो हम इस क्षेत्र में शांति रखेंगे, भाईचारा रखेंगे, सभी से मिलजुल के इस क्षेत्र का विकास करेंगे। हम खड़े हैं इस समय पिछोर में, और पिछोर में अभी कांग्रेस के प्रत्याशी अरविंद लोधी ने नामांकन फॉर्म जमा किया है। आइए बात करते हैं उनसे, किस तरह से चुनाव लड़ेंगे और क्या उनके मुद्दे रहेंगे। अरविंद जी, जिस तरह से आप आज आपने नामांकन फॉर्म जमा किया, क्या मुद्दा रहेगा आपका पहला? सबसे पहले मैंने आपको बताया कि अपने पिछोर क्षेत्र की जो जनता है, और जो मैं भी जनसंपर्क में जा रहा हूँ, जो मुझे क्षेत्रों से जानकारी मिल रही है कि जो ऊपर से सरकार की जो योजनाएं आती हैं वो निचले तबके तक या क्षेत्र के हर एक गरीब आदमी तक नहीं पहुंच पाती है। उसमें जो करप्शन है उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी जाएगी, और इस क्षेत्र में नीचे जो योजना उनका लाभ मिल सके। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है सामने वाला भी लोधी प्रत्याशी है, तो आप भी एक समाज के साथ लड़ रहे हैं, और साथ ही साथ समाज का कितना आपको सपोर्ट मिल रहा है? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि दोनों कैंडिडेट एक ही वर्ग से आते हैं। अब हाँ, और आप ये अब पिछोर की जनता को ये तय करना है कि वो बाहरी के साथ है या क्षेत्रीय के साथ है, या अपने क्षेत्र के बेटा का साथ देगी या फिर अपने बाहर का साथ देगी, ये क्षेत्र की जनता को तय करना है। तो आपकी प्रमुख मांगें क्या हैं, क्या मुद्दे रहेंगे आगे, जो है जैसे अगर मान लो कांग्रेस से आप जीतते हैं और आप विधायक बनते हैं, तो क्षेत्र को किस तरह से सुधार करेंगे? ये जो सीट है आदरणीय कक्काजू साहब की परंपरागत सीट है, उन्होंने 30 वर्ष में इसके लिए बहुत संभाल के रखा है, और यहाँ पर बहुत विकास के कार्य किए गए हैं। कक्काजू साहब ने जो लाइन बनाई है, उस लाइन को कोई भी विधायक बन जाए वो पार नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करूँगा कि उस लाइन पर चलने का काम करें और इस क्षेत्र को विकास की एक मूलधारा से जोड़ा जाए। चलिए, ये थे अरविंद लोधी जी, जिन्होंने अभी नामांकन फॉर्म जमा किया है, और उन्होंने काफ़ी ऐसे मुद्दे बताए कि क्षेत्र का विकास करेंगे। कुछ आदिवासी भाई भी हमारे साथ यहाँ पर हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम इमरत आदिवासी। अच्छा इमरत जी, ये
अभी अरविंद लोधी जी ने नामांकन फार्म जमा किया है, तो क्या कहेंगे, आपकी समाज किस तरह से इन्हें सपोर्ट करेगी? हमारी इस तरह से सपोर्ट करेंगे कि हम लोग शुरू से हमारी जो परंपरा आदिवासी समाज की है, जो सारे मुद्दे पे काम कर रही है, हमारा अत्याचार कोई दमंग लोग करता है तो कांग्रेस हमारी समर्थन करती है, और जो जो भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं कुल झूठे वादे किए हैं, जो दमंग लोगों ने आवास दिए हैं, आप चल के देखिए, जो अभी भी आदिवासी लोग झोंपड़ियों में बास कर रहे हैं, अभी भी चल करके सर्वे के देख लीजिए, हमारे साथ अन्याय अत्याचार जे अभी भी कर रहे हैं, और जिनने सब ये कह रहे थे कि आपको सब्जी के पैसा, चार महीना से आपको मेहलन जो आदिवासियों को अभी तक पैसे नहीं मिले हैं, और जिनके जो झूठे वादे किए जा रहे हैं। लाडली बहना जो योजना चलाई तो उसका कोई प्रभाव पड़ेगा क्या? नहीं, कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, ये हमारी पिछोर की जनता सारी लोग जो जन महिला कह रही है कि हम जे अभी चुनाव आया है वो अभी दिखा रहे हैं, और जो लोग अभी फिर भग जाएंगे, जो अभी जो बाहर के लोग हैं और जे लोग दिखाने लूटने आए पिछोर की जनता के लिए, वो कभी नहीं हो सकता है। पिछोर की जनता जागरूक है, समझदार है, अपने देश के लिए बचाने चाहती है। ये जे कुछ भी करे फांसे बेहिना पर चलने वाली नहीं है। क्या लगता है आपको, कांग्रेस के प्रत्याशी अरविंद लोधी किस तरह से जीत पाएंगे क्या? हम जय कह रहे हैं भाइयों, हजारों से जीत कराएंगे हम लोग, गरीब लोग, आदिवासी लोग, जितने लोग हम कमजोर लोग हैं उन्हीं से के साथ हैं, और हमारे पास आधे लोधी समाज भी हमसे जुड़ गए हैं, और बेजा कह रहे हैं हम बाहर के लोगों ने जितने जो यहाँ उतरेंगे सारे लोगों को धूल चटा के जाएंगे। तो कहीं ना कहीं एक मुद्दा यहाँ पर सामने आ रहा है कि लोकल और बाहरी, तो लगातार जैसे भाई अमृत सरपंच से हमारी बात हुई, पूर्व सरपंच से, तो उन्होंने भी कहा है कि आदिवासी जो मतदाता है बहुत जागरूक है, और जो लाडली बहना का जो प्रलोभन शिवराज सिंह चौहान द्वारा दिया गया था वो सिर्फ चुनाव के समय ही दिया गया। कैमरा पर्सन गौरव के साथ सचिन राज भट्ट, पिछोर।